नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक पंकज शर्मा जी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेम लैग प्रॉब्लम के बारे में और स्मार्टफोन हैंग प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप अपने स्मार्टफोन में हैवी गेम प्ले करते हैं या फिर आप जो है पबजी या फिर फ्री फायर जैसे गेम को अपने स्मार्टफोन में प्ले करते हैं और आपके स्मार्टफोन के अंदर अगर बैटरी स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आपके स्मार्टफोन के अंदर गेम जो वो लैग करेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप ही का चैनल है टेक पंकज शर्मा जी यूट्यूब चैनल और अभी फिलहाल मैं यहाँ पर अपने हेल्थ इशू के कारण फेस वीडियो अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद आपको फेस वीडियो हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा और अभी फिलहाल मैं यहाँ पर जो स्क्रीन वीडियो आपके सामने आपको वीडियोज़ देने के चलते यहाँ पर वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा जिसके बाद आप अपने स्मार्टफोन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने स्मार्टफोन के अंदर। और अगर आप ये सेटिंग को चेंज कर लेंगे तो आपके स्मार्टफोन से जो है किसी भी तरीके का हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा गेम प्ले करने के टाइम या फिर आपका जो है गेम लैग होता है आपके स्मार्टफोन के अंदर, तो आपका जो वहाँ पर कम देखने को मिलेगा और आपका हैंगिंग एंड आपका लैग प्रॉब्लम जो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो वीडियो में बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने सारे फ्रेंड जो भी गेम प्ले करते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फोन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको है पूल नंबर पर 8 टाइम क्लिक करना है या फिर आपका वहाँ पर जो है वर्जन नंबर भी आपको देखने को मिल सकता है। सारे स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग सेटिंग होते हैं, वहाँ पर आप जाकर के उसे क्लिक कर लीजिए एंड अपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। तो कुल मिलाकर आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है एंड कुछ सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन के अंदर चला जाता हूँ। तो फिलहाल मैं डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ चुका हूँ। आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो अगर आपका ऊपर में डेवलपर ऑप्शन ऑफ है तो आप उसे यहाँ पर से ऑन कर दीजिए एंड ये अगर आप अभी ऑन करेंगे अपने डेवलपर ऑप्शन को तो अभी फिलहाल ऑन ही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ऑन रहता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ आपको वह एंड्रॉयड के जितने भी 9.0 वर्जन से नीचे के एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है देखने को मिले और अगर नहीं भी देखने को मिलता है तो आपको कोई भी यहाँ पर जो है निराश नहीं होनी है। आपको मुझे कमेंट करना है, मैं उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको फाइंड करके दूंगा जो ये आपको इस सेटिंग आपके स्मार्टफोन में प्रोवाइड कर देगा, जिससे आप जो है एप्लीकेशन के जरिए भी इस सेटिंग का आनंद ले पाएंगे। अगर आपके स्मार्टफोन में ये ऑप्शन मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए। आपको जो है इस चीज़ के रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा जिससे आप आसानी से उस सेटिंग को ऑन कर पाएंगे। तो चलिए सेटिंग क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो सेटिंग में बता रहा हूँ उसके अलावा आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, नहीं तो आपके स्मार्टफोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को नज़र आ सकता है। जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ ये 100% सेफ है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो डेवलपर ऑप्शन के अंदर आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जो एक सेटिंग देखने को मिलेगा गेम ड्राइवर प्रेफरेंस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये बेसिकली ये सेटिंग है क्या, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने अगर कंप्यूटर इस्तेमाल किया या फिर पीसी या फिर विंडोज़ आपने इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर आपको जो है गेम ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे आपको गेमिंग का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है और गेमिंग ग्राफिक्स जो वहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ती है। उसी तरीके से ये आपका गेम ड्राइवर है, इसके यहाँ पर से आप इसे सेट कर देंगे तो आपका जो वहाँ पर आपको गेमिंग के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और गेम आपका लैग कम होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। अगर आपके स्मार्टफोन में इनेबल का ऑप्शन आ रहा है तो आप इनेबल कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको गेम ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ऑन ऑफ दिख रहा है तो आप ऑन कर दीजिए और इस तरीके से दिख रहा है तो आपको गेम ड्राइवर पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपने गेम्स को फाइंड करना है जो गेम आप यहाँ पर प्ले करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है हमारे स्मार्टफोन के अंदर कोई भी गेम नहीं है तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए आपको बता दे रहा हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम पहले सारे गेम्स को रिमूव किए हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको एक एप्लीकेशन लेकर बता दे रहा हूँ। आप अगर फ्री फायर प्ले करते हो तो आप फ्री फायर को सर्च कीजिए, पबजी प्ले करते हो तो पबजी को यहाँ पर सर्च कीजिए। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के जरिए फ़ोनपे को यहाँ पर ले रहा हूँ तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गेम ड्राइवर के ऊपर क्लिक करना है। आप फर्स्ट वाले पर क्लिक कीजिए गेम ड्राइवर पर, इसके बाद भी अगर आपको गेमिंग का परफॉर्मेंस बेटर नहीं मिलता है तो आप सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पर क्लिक कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पर बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा ताकि आपको जो है और भी अच्छा गेमिंग यहाँ पर जो है देखने को मिले आपके स्मार्टफोन के अंदर। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, हो सकता है आपके स्मार्टफोन में ये सेटिंग थोड़े बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिले। और नेक्स्ट सेटिंग जो यहाँ पर हमारा है वो है
फोर्स 4XMSS है, इसको आपको यहाँ पर से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप सिंपली इसे क्लोज कर दीजिए सेटिंग को, एंड उसके बाद अपना गेम आप जो प्ले करके देखेंगे आपको वहाँ पर जो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा और गेमिंग का आपका जो वहाँ पर जो है परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही।